guess it's been a while since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. ओके तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस. आज हम लोग जा रहे हैं मलाड के नटराज मार्केट. दिस वन इज़ द बेस्ट प्लेस और ये बहुत फेमस मार्केट है ओनली फॉर गर्ल्स और थोड़े बहुत बॉयज़ के लिए भी है. और हम लोग देखते हैं आज ये मेरे नेरुल से एक्चुअली डेढ़ घंटे लगते हैं इधर तक आने के लिए. और मोस्टली तीन ट्रेन एक्सचेंज करने पड़ जाती है आपको. तो लेट्स गो एंड सी दिस कैसा लगता है, कैसा है मार्केट, चेक करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. लेट्स गो स्टार्ट. डू वांट टू मिस थिंग्स अप, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई कांट डिनाय, माय हार्ट इज ऑलवेज विद यू, माय हेड्स ऑलवेज स्टक इन टाइम. लव लेट मी गो cuz आई बीन होल्डिंग ऑन फॉर फार टू लॉन्ग, आई बीन फाइटिंग एंड कीपिंग स्ट्रांग, नाउ यू जस्ट गॉटा लेट मी गो. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. ओके गाइस, राइट नाउ आई एम इन नटराज मार्केट. और जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग नटराज मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम लोग को सैंडल शूज और स्टार्टिंग में दिख जाते हैं. और ये कैसा मतलब कि अंदर गली गली में है. और जैसे कि जब बेसिकली और आपको लहंगा साड़ीज और गर्ल्स लोग के लिए बहुत बहुत चीज़ें भी मिल जाते हैं. लेट्स गो. और मैं तो एक बार घूम के भी आ चुका हूँ, मतलब कि एक बार मैंने राउंड लगा दिया. चलो एक बार और चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या. बट मेरे साथ कोई गर्ल्स नहीं है ना, नहीं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती थी. तो भी हमारे साथ एडजस्ट करता रहता है यार. Way, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. गाइज, हमको हमारे एक दोस्त मिल गए. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक मार्केट में जाता हूँ तो मेरे कोई ना कोई तो दोस्त मिल जाते हैं. और भाई आपका नाम बता दो. मेरा नाम बाबर अली. बाबर अली. और ये बोल रहे हैं कि यस्तु शॉप, हम तुम कलेक्शन है. हम तुम कलेक्शन में ज़रूर आना, चेक करना. और शॉप नंबर क्या आपका भी होता है? 150 में क्या क्या मिल जाते हैं आपके पास? चेक करना मेरी महिला मंडल और जरूर विजिट करना इधर. मलाड मार्केट बेस्ट स्टेशन के जस्ट बाहर है. क्या बोलते हैं भाई? एक नंबर भाई. और भाई आपको टाइप्स ऑफ हुडीज और टॉप्स. एक्चुअली मेरे साथ गर्ल्स ने, नहीं तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता था आपको. बट इन्होंने बोला कि सेल्समैन ज्यादा दे सकता है तो देख लो, चेक कर लेना इधर एक बार. क्या शॉप नंबर क्या बताया आपको? 150. तो जहाँ अभी हम लोग गए थे, मतलब एक दोस्त के दुकान पे, सम पीपल्स लाइक कि सही कर रहा है तू करते जा, और सम पीपल्स लाइक तू क्या कर रहा है यार. मेरे को एक ने आखिर बोला भी कि भाई तू गलत कर रहा है, और खुद बेचारा पान खा के थूक रहा था साइड में कि उसको इतना ये भी नहीं था. बट हाँ, जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए सही है. तो लेट्स गो.
मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही है और जो कर रहा था उसके लिए सही है, बट हाँ क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मार्केट बहुत अच्छा लगा रहेगा। और इधर के कुछ दोस्त लोगों ने मेरे को बोला कि एक मार्केट है उधर, तो इधर इस टाइम पे बहुत क्राउड रहेगा, तो उस टाइम पे नहीं अगले देखेंगे, आगे फ्यूचर के ब्लॉग में हम लोग बनाएंगे, चेक करेंगे उधर भी जाके। और हमेशा मैं दोपहर में आता हूँ इसलिए मेरे को इतना क्राउड नहीं मिलता। और बेसिकली जैसे वो मेरे दोस्तों ने बोला कि जो अगर तुम 4 बजे के बाद आओगे तो तुमको बेस्ट क्राउड मिलेगा इधर, तो इसीलिए गाइज कभी भी अगर आपको क्राउड के साथ शॉपिंग करना है तो 4 बजे के बाद, और नहीं तो दोपहर में आके आप विजिट कर सकते हैं। और आती है बार्गेनिंग की बात, जो कि कोई कोई शॉप बार्गेनिंग कर लेते हैं और कोई कोई शॉप नहीं करते, और इधर मोस्टली शॉप नहीं करते बार्गेनिंग और कोई कोई फिक्स प्राइस में ही रखता है। तो और नटराज मार्केट इज़ लाइक बहुत गली गली में था, तो मैं पूरा गली गली घूमा नहीं, और जो पहले टाइम आए फर्स्ट टाइम आएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि शॉप किधर है किधर नहीं। तो फर्स्ट टाइम आना तो अच्छे से घूम के जाना, तो मैंने तो अपना पूरा घूम लिया हूँ जितना मेरे को घूमने का था और जितना मेरे को बताने का था। बस मैं इतना बताऊँगा कि महिला मंडल, अगर आपको कुछ अच्छे वेस्टर्न्स कपड़े और इंडियंस कपड़े चाहिए जिसको बहुत अच्छे लगते हैं तो ज़रूर विजिट करना एंड लेट्स गो फॉर होम। और नटराज मार्केट के जस्ट बाजू में एक बहुत बड़ा फिश मार्केट भी है, बट मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि सॉरी गाइस बट मेरे को उधर का स्मेल अच्छा नहीं लगता। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।